अस्सलाम वालेकुम यार्स, गुलाम मुस्तफ़ा स्लम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको बहरिया में एक कमर्शियल जोन का विज़िट कराने जा रहा हूँ, और इस एरिया को सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पज़ के लिए एलोकेट किया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ बिजनेसेस यहाँ पे रन हो रहे हैं इस टाइम, और जिसके अंदर डिफरेंट बैंक्स भी हैं और बहुत सारी बिजनेस हैं जो इस टाइम पर रन हो रहे हैं। जी हाँ, मैं मिडवे ए और मिडवे बी का आपको स्ट्रीट टूर कराने जा रहा हूँ, और हमने सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स ने नंबर ऑफ़ वीडियोस इस एरिया के ऊपर डाली हैं, लेकिन आज वीडियो बनाने का पर्पस आपको अपडेट देना है यहाँ पे कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो के साथ कंपैरिजन कर सकें कि एक साल पहले तक या 6 महीने पहले तक यहाँ कितनी बिल्डिंग्स बनी थी, या यहाँ पे कितना लोगों का रुझान था, या कितने बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हुए थे, और आज की वीडियो में आपको कितनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। और जो बिल्डिंग्स आज से 6 महीने पहले अपने फिनिशिंग लेवल पे थी, आज उनका स्टेटस क्या है, और आज इस एरिया के अंदर कितने बिजनेसेस रन हो रहे हैं और कितने खाली प्लॉट पड़े हैं। तो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि मैक्सिमम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी लेन आपको ऐसी नज़र नहीं आ रही जहाँ पे 4 से 5 प्रोजेक्ट ना बन रहे हों, या जहाँ पे कोई एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग कम अज़ कम उनकी पोजेशन हैंड ओवर ना हुई हो। तो ये मिडवे ए का आपको सबसे पहले विज़िट करवा रहे हैं। इन दोनों के मिडवे ए और मिडवे बी के सेंटर में बहरिया का हेड ऑफिस है। इसके एक तरफ मिडवे ए है और एक तरफ मिडवे बी है। हम ये वीडियो मिडवे ए से स्टार्ट कर रहे हैं। मिडवे ए और बी के अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है मेन इनके अंदर कि यहाँ पे जो प्लॉट्स की कटिंग है वो लेन शेप में है, जबकि मिडवे बी के अंदर एक सर्कुलर शेप में उसकी कटिंग की गई है। मिडवे बी की जो प्लॉट का साइज़ है वो सेम है, 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं ये। और यहाँ पे अगर आप बिल्डिंग बनाने जाते हैं, कोई आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको ग्राउंड प्लस 6 अलाउ किया जाता है। अगर आप दो प्लॉट के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको ग्राउंड प्लस 8 की परमिशन दी जाती है। अभी रिसेंट मिडवे ए और बी का अगर हम आज से 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले तक देखें, कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आती, जो आज नज़र आ रही हैं। और सेकंड यहाँ पे आपको जो प्राइसेस के हवाले से हम कंपैरिजन करें, तो तब हमें यहाँ पे अराउंड 2 करोड़ से 2.25 करोड़ से प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाता था। आज वही प्लॉट हमें यहाँ पे मिनिमम 4.25 करोड़ यहाँ से मिलना स्टार्ट होता है, और अप टू 7 करोड़ तक की प्राइसेस हैं मिडवे ए और मिडवे बी दोनों के अंदर। डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है, अगर कोई कैटेगरी है तो वो ऑब्वियसली 7 करोड़ के आसपास में कहीं जाके प्लॉट मिलता है हमें। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांड्स भी अब आना स्टार्ट हो चुके हैं, और इन ब्रांड्स के अंदर आप देखेंगे कि एक OPTP भी आ चुका है यहाँ पे, सबवे भी आ चुका है, और इन्हीं ब्रांड्स के अंदर नंबर ऑफ जो बैंक्स हैं वो भी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे अस्करी बैंक भी आ चुका है, बैंक दुबई इस्लामी है, बैंक इस्लामी है। बहरिया हेड ऑफिस के अंदर 2 बैंक्स हैं, UBL है, अलाइड है, अल्फला है। तो नंबर ऑफ़ बैंक्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, नंबर ऑफ़ बिजनेस भी यहाँ पे रन हो रहे हैं, और इन नंबर ऑफ़ बिजनेस के अंदर रियल स्टेट के ऑफिस भी हैं, और टाइल की कुछ शॉप्स भी आपको नज़र आ रही हैं, और फूड पॉइंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, और इससे हट के बहुत सारे टेलर शॉप भी हैं, और दीगर बिजनेस यहाँ पर रन हो रहे हैं। यहाँ पर आज अगर हम बात करें कि अगर आप ऑफिस की बाइंग करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको अराउंड 8,000-9,000 पे मिलना स्टार्ट हो जाता है ऑफिस बुकिंग प्राइस पे, और अप टू 16,000 तक यहाँ प्राइसेस हैं। बाकी अगर आप ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे अराउंड आपको 32-35 लाख से लेके ऑनवर्ड 45-48,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है यहाँ पे, और जो ऑफिस का रेट है वो अराउंड कोई 8,000 से लेके 16,000 पर स्क्वायर फीट पे यहाँ पे ऑफिस आपको मिल जाता है। यहाँ पे ऑफिसेज के साइज़ छोटे ऑफिस भी हैं, बड़े ऑफिस भी मिल जाते हैं। मिनिमम जो ऑफिस साइज़ है यहाँ पे अराउंड 400-500 के करीब है, और मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको साइज़ मिलता है वो कोई अराउंड 1150-1200-1200 तक का साइज़ भी है। तो फर्दर आपकी क्यूरी है रिगार्डिंग मिडवे ए, या फिर आप मिडवे ए और बी के अंदर
ऑफिस आप लेना चाह रहे हैं, इधर वो रेंट पे हो या फिर आप बाइंग करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। फर्दर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम आपको मिडवे ए बी और दीगर बहरिया टाउन का जितना भी एरिया है इसके बारे में आपको अपडेट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।